प्रिया, सबसे आई थिंक सबसे ट्रॉमेटिक बात थी कि मैं उनको कॉन्स्टेंटली बोलती गई कि मैं एक डिप्रेशन की पेशेंट हूँ, मैं दवाइयाँ लेती रही हूँ पिछले साल, मैंने अब छोड़ दी हैं, मुझे एंग्जाइटी होती है, मुझे पैनिक अटैक्स होती है, प्लीज़ इफ़ द चाइल्ड इज़ नॉट गोना सर्वाइव मुझे आप कोई दवाई दे दीजिएगा ताकि मैं सो जाऊँ, क्योंकि अगले दिन ऑब्वियसली वी हैव टू बरी द चाइल्ड. सो दे डिडंट गिव मी एनी मेडिसिन. So after the delivery, the entire night I was on the bed. My guests, my family was coming, seeing me. But मैं सारी रात सुबह 9 बजे तक, जब तक मैंने सर्टिफिकेट ऑफ डेथ निकलवाना था, असद ने निकलवाना था, तब तक मैं जागी ही थी. और ग्रीफ के बाद एक स्टेज आता है एंगर. आई वॉज एंग्री, आई जस्ट लॉस्ट माई माइंड. So it was not just a miscarriage, it was actually a delivery. Oh. Haan, Zara actually delivered a baby. I'm really sorry to hear that. वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल. जैसा कि आप सभी जानते हैं, अरसे बाद ज़ारा नूर अब्बास जो हैं वो प्रेग्नेंट हुए हैं, और प्रेग्नेंट होने के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें बेटी की नेमत से नवाजा. इस नेमत को पाकर वो बेहद खुश थीं, उनके घर में सालों बाद खुशी आ रही थी, लेकिन खुशी इनसे छीन ली. जी हाँ, डिलीवरी के बाद इनके साथ कुछ ऐसा, इनकी डिलीवरी में कुछ ऐसी पेचीदगियाँ आई जो इनके बेटे की जान ले गई. ख़वातीनों हज़रात, इनका बेटा 1 दिन का था जब वो इंतकाल हो गया. असद जो इनके हस्बैंड है, वो अपनी बेटी की कहानी बताते हुए कि कैसे उसका इंतकाल हुआ वो रोते रहे. अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये मुश्किल वक्त कभी भी किसी पर ना लाए, और अगर औलाद अता की है तो उससे हिजाबी वाली अता करे, लंबी ज़िंदगी अता करे, क्योंकि अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर कादिर है. अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला सब औलादों को औलाद अता करे, और एक बार फिर से ज़ारा नूर अब्बास की गोद को हरा करे. मैं अब मज़ीद आपको सुनवाते हैं असद की ज़ुबानी तमाम तफसीलात, क्या हुआ, कैसे उनके बेटे का इंतकाल हुआ. आप और ज़ारा थोड़ी सी एक टफ टाइम से गुजरे जब आप लोगों ने मिसकैरेज को फेस किया. So, it was not really just a miscarriage, it was actually a delivery. Oh. Haan, Zara actually delivered a baby. I'm really sorry to hear that. Pehle toh, sabse pehle. It was a, I think 5-6 months baby. Okay. Which I buried myself. I'm really sorry. Yeah. Toh, bas ye ek tha, ek waqt guzra tha, thoda sa. Main isliye pooch rahi hoon ki jab couples... His name was Aurangzeb. Yeah. बहुत ही प्यारा नाम है. His name is Aurangzeb. तो इसको हमने बड़ा it was a good thing जब ये सब हो रहा था. और फिर बीच में कॉम्प्लिकेशंस आई, फिर इवेंचुअली दिस थिंग हैपेंड अल्लाह की मर्जी से. और फिर उसके बाद ज़ारा को ब्रेकडाउन्स भी आए. ऑब्वियसली क्योंकि ये ज्यादा अफेक्ट औरत को करता है, मर्द को इतना नहीं करता. उसको करता है लेकिन औरत को इसलिए करता है क्योंकि उसके तो अंदर ही एक जान थी. तो प्लस बॉडी चेंजेस, हार्मोन्स बदलना, 10 चीजें होती हैं. मतलब आपकी एक प्लानिंग होती है और आपका एक कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है ना. तो आपकी बॉडी के साथ एक चीज है, जो आप कर रहे हो वही उसको भी जा रहा है, जो आप खा रहे हो उसको भी जा रहा है. और 5 महीने, 6 महीने, 9 महीने ऐसे ही तो नहीं ना, इतना बड़ा दर्जा दिया है माँ को. कुछ है ये सारी चीजें, तभी तो उसके लिए ये टाइम बहुत मुश्किल था. और बट अगेन मैं वही वाली बात कहता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और कोई ना कोई बेहतरी होती है अल्लाह की जो भी काम होता है. तो इस वाकये में भी हाँ थोड़ा सा दुख हुआ, बट फिर देखो सब आपका खत्म हो जाता है, आपको ये पता चल जाता है ना कि ओके देयर इज समवन हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट, हु माइट गिव यू मे बी समथिंग बेटर, बिकॉज यू नेवर नो कि उसने क्या रखा हुआ आपके लिए. आपको पता ही नहीं होता.